एवरीवन वेलकम माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अदीप रंजित। आप लोगों के लिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है एमपी बोर्ड वालों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की डिमांड थी कि भैया कैसे यहाँ पे पेपर की तैयारी की जाए, हमें भी 90% या 95% गेन करने हैं परसेंटेज। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कितना रिविज़न आप लोगों को करना है, मैं यहीं पर आप लोगों को बातचीत करूँगा कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। यहाँ पर जो भी आपका टाइम बचा है, 7-8 दिन जो भी बचे हैं, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे भी जो सब्जेक्ट है आपका, जो फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, तो आपको पहले क्या करना है। यहाँ पर जो आप लोगों की प्रश्न बैंक आ चुकी है सारे सब्जेक्टों की, तो पहले आप लोगों को उन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है, या पहले से भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत याद करा हो तो उसको रिवीजन कर लेना, जो नहीं याद है बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि उसमें से आपका 60 या 70% चांसेस है वहाँ पे आने के लिए प्रश्न बैंक से, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उसी में से पूछे जा रहे हैं 90%, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा प्री बोर्ड हाफ ईयरली का जो पेपर बना है तो आप लोगों का उसी से पूरा मैच हो रहा है पेपर। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले प्रश्न बैंक करना है, प्रश्न बैंक आप लोगों की कंप्लीट है पूरी, जैसे 12th वाले बच्चे हैं तो काफ़ी मेहनत करते हैं तो उनका कंप्लीट होगा प्रश्न बैंक, तो वो अपने जो सेट है पीछे आगे पीछे के सेट अध्ययन प्रबोध के उनको पूरी तरह से याद कर ले, तो उनके यहाँ पे 80 में से 70 या 75 मार्क्स किधर भी नहीं जाएंगे। थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव के चांसेस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को उसी में से आ जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव ऐसे रहते हैं जो आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है उसमें, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसमें मेहनत करने की जरूरत है। आप बुक पढ़ लीजिए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से रिवीजन कर लीजिए तो हो जाएगा। और अगर 10th वाले की बात करूँ तो उन्होंने पूछा था भैया कैसे हम यहाँ पे 90%, क्योंकि उनकी तैयारी थोड़ी ढीली चल रही है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न बैंक है आप लोगों को हर सब्जेक्ट की, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए और काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, तो आपको उसको याद कर लेना तो आपके 80 में से यहाँ पे 60 से 65 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। और हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब आगे की बात करते हैं कि प्रश्न बैंक आप लोगों की अगर हो गई हो, अदरवाइज नहीं हुई हो, अगर जिस बच्चों की हो गई हो तो वो अपना क्या करें कि जो आपके अध्ययन प्रबोध है, ठीक है, उनमें से आप लोग प्रैक्टिस जारी कर दीजिए, जो सेट है बिल्कुल आगे के उनको कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर है कुछ देख लीजिए, फ़ोन से निकाल के देख लीजिए, यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सोर्सेस आप लोगों के पास अवेलेबल है, सिर्फ आपको क्या करना है क्लिक करना है और मेहनत करना है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके पिछले क्लास के परसेंटेज नहीं मायने रखते, जो अभी आप लाओगे वही मायने रखेंगे और वही आगे काम करेंगे। आपको ये नहीं कहना कि मेरे 8th में 90% नहीं थे, सही 60% थे, 70% थे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं उनके जो प्रीवियस ईयर है उससे 10 से 20% परसेंटेज उनके ज़्यादा ही आते हैं, कम कभी नहीं आते, क्योंकि आप लोगों की उसमें थोड़ा रेपुटेशन का स्कूल की जो रहती है तो उसमें आप लोग जैसे भी रहते हो या जैसे रहते हो उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ी मार्किंग हुआ करती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाला आपको नहीं जानता, आपकी कॉपी को जानता है बस कि उसने क्या लिखा है और कैसे लिखा है, उसके नंबर आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी बिल्कुल अच्छे से लिखनी है और आपको सबमिट करना है, तो ऐसे ही अच्छे लिखना और अच्छे से करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पे भी रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, या टेलीग्राम जो भी है या इंस्टाग्राम आप लोग कहीं भी मैसेज कर सकते हैं जाके, तो वहाँ पे आप लोगों का रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए फिर से लास्ट बार कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करो, बच्चों को दबा के शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, टेक केयर, गुड बाय, जय।